प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, राइट। ये टॉपिक में हमने फर्स्ट स्टेप शीयरिंग, राइट, जो किसे हम कहते हैं कि जैसे फर्स्ट फिगर में यहाँ आपको दिखाया है कि जो शीप है उसके ऊपर की स्किन के जो फर निकालते हैं और उसके ऊपर पूरी प्रोसेस होके फिर उसका पूरा फाइबर्स बनता है, तो वो हमने कल पढ़ा था। उसमें सेकंड स्टेप, आगे आगे के स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे। द शीयर स्किन विथ हेयर इज ट्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, राइट। यहाँ पर सेकंड सॉरी 3.8 की भी फिगर देखो, वहाँ से डर्ट डस्ट वो रिमूव करने के लिए वहाँ उसे वॉश करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो यहाँ हर एक डिफाइन आती है, जहाँ डार्क वर्ड से आप अंडरलाइन करना। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन, राइट। इस तरह से टैंक का यूज नहीं करते हैं, मशीन में ही वो वॉश कर लेते हैं, राइट। इस तरह से नहीं होता है। अब जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से वो मशीन में ही वॉश हो जाता है। थर्ड स्टेप इज आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री। तो इस तरह से वॉशिंग के बाद होता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं, द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, राइट। अलग अलग टाइप्स के जो हेयर्स है वहाँ उसे सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप इज द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुल्स आर पीक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बुल्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, राइट। उसके बाद जो छोटे छोटे होते हैं, राइट, स्मॉल फाइबर्स, उसे अलग करके जिसे बूर कहते हैं, और उसको अलग करके आपने देखा होगा वो स्वेटर बुनने में यूज होता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, वापस उसे स्कोर्ड मीन्स वॉश करते हैं और वापस उसे सुखाते हैं। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स। अब ये वूल है वो फाइबर्स बनाने के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, राइट। वो प्रॉपर फाइबर्स फिर उसे कलर करते हैं। डाई करना मीन्स उसके ऊपर कलर करके, एज द नेचुरल फ्लीश ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। यहाँ पे भी आप अंडरलाइन करना, फ्लीश है हेयर शीप के या गोट के, वो होंगे ब्लैक ब्राउन या तो वाइट कलर के। नेक्स्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद यहाँ 3.8 फिगर में जैसे है, 3.8 की डी फिगर में, उसमें से पूरा उसे कॉम करके, पहले स्ट्रेचिंग करके उसे कॉम और फिर उसका रोल बना के यार पूरा यार्न तैयार होता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो गई, आप अंडरलाइन करना। जो लॉन्गर फाइबर्स हैं वो जो वूल है वो स्वेटर बनाने में यूज होता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स है स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, और उसमें से वूलन के क्लॉथ बनते हैं, राइट। ये सिक्स स्टेप्स है, वहाँ नीचे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। सबसे पहले शियरिंग, राइट, उसके बाल निकालते हैं, उसके बाद स्कोरिंग मीन्स उसे वॉश करते हैं, फिर शॉर्टिंग वो हेयर को अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं उसे अलग करते हैं जिसे शॉर्टिंग कहते हैं, फिर क्लीनिंग ऑफ बूर वापस उसमें से क्लीन करते हैं, और उसके बाद उसका डाइंग करते हैं, कलर करते हैं, और उसके बाद उसके फिर रोल्स बनते हैं। Occupations, hazards.
वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, राइट। ये जो वुलन इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट शॉर्टर जॉब्स इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टेरियम एंथ्रेक्स विच कॉज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज। सच रिस्क फेस्ड by workers in any industries are called occupational hazard। तो ये जो इंडस्ट्री है उसमें से हमें जो शीप होते हैं उसी के जो हेयर है उसके ऊपर ही पूरी प्रोसेस करके बनते हैं, पर इसमें कभी बैक्टीरिया या एंथ्रेक्स की वजह से जो उसे डिजीज होता है उसकी वजह से उसके जो वर्कर्स है उसे सफ़र करना पड़ता है। इसके लिए उसके ऊपर ये रिस्क होता है और ये उसका जो ऑक्यूपेशन है, राइट, वो उसी में काम करते हैं इसलिए ये उसका ऑक्यूपेशन हुआ और उसके वजह से जो ये क्रिएट होता है इसलिए इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये रीज़न भी हो सकता है। बाद में भोजो सोच रहा है कि भोजो इज़ वंडरिंग वाई इट इज़ hurt when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। कोई हमारे बाल खींचता है तो हमें पेन होता है पर जब हम बार्बर के पास, राइट, तो वहाँ पे जो बार्बर बार जो हमारे हेयर रिमूव करता है तो वहाँ हमें कोई पेन या तो कुछ होता नहीं है, राइट। भोजो इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट्स कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर डस। और ये बात भी भोजो को पता चल गई कि विंटर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, राइट, तो उससे हम हमारे जो बॉडी है वो विंटर हमें ठंड से रोक नहीं सकती, बट हम जब वूलन स्वेटर पहनते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है। इट कैन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमॉन्ग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो ये हमें कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे 3.2, सिल्क। जैसे हमने वूल के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, राइट। सिल्क फाइबर है वो भी क्या है, जैसे वूल है वो भी एनिमल फाइबर्स है और वो सिल्क वॉर्म है वो हमें सिल्क फाइबर देता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क लेने के लिए हम सिल्क वॉर्म से उसे रियर करते हैं उसे पालते हैं उसे कहते हैं सेरिकल्चर। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हुआ, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, राइट। आपने सिल्क की साड़ी या पहनते हुए अपनी मम्मी को या दादी को या देखा होगा, राइट। अभी तो सिल्क की कुर्तीज और सब कुछ मिलने लगा है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो ये जो हम सिल्क के बारे में पूरी किस तरह से प्रोसेस होती है वो देखने के पहले हम ये जो सिल्क है हमें मिलता है वो सिल्क मोथ की पूरी हिस्ट्री, राइट, उसके जो सिल्क मोथ है उसके कीड़े हैं उसके बारे में हम जानेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो यहाँ हमारी स्टार्ट होती है एक न्यू टॉपिक, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म, राइट। जो फीमेल सिल्क मोथ वो अंडे देता है और उसे वो हैच मीन्स उसे पोस के उसमें से जो उसके छोटे बच्चे निकलते हैं लार्वा उसे हम कहते हैं कैटरपिलर्स। दे ग्रो in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. तो first stage जो caterpillar है, right, वो next stage में जाने के लिए ready होता है, वो grow होता है तभी उसमें से वो next stage में means बड़ा होता है। तो
तो उसकी लाइफ हिस्ट्री आगे चलती है और उसे फिर कहते हैं फूफा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, राइट। वो पहले खुद के लिए एक अपने आसपास नेट बनाता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट ड्यूरिंग द दिस मोमेंट ऑफ द हेड। और उसके बाद वो पूरी वो नेट जैसा बनाता जाता है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर क्रिएट्स फाइबर मेड मेड ऑफ अ प्रोटीन। और वो जो कैटरपिलर है वो अपना हेड मूव करते जाता है और उसमें से वो फाइबर्स क्रिएट करता है, जिसमें से वो क्या मेड करता है, प्रोटीन बनाता है, विच हार्डन एंड एक्सप्लोर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और जो ऐसे कैसा होता है, हार्डन, और जिसमें से वो रिजल्ट के उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर, राइट। जो कैटरपिलर है वो फाइबर्स क्रिएट करता है जिसमें प्रोटीन बनता है और उसमें से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू पुपा। दिस कवरिंग इज नोन एज केकून, राइट। उसके बाद धीरे धीरे करके जो पुपा है वो अपने पूरे बॉडी को इस सिल्क फाइबर से फिर कवर कर लेता है और जिसे कहते हैं केकून, जो लास्ट यहाँ पे फिगर है, राइट। यहाँ देखो इसने पूरे अपने बॉडी को कवर कर लिया है इस तरह से सिल्क फाइबर से, और जिसे हम क्या कहेंगे, केकून्स। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पूपा इंटू मोथ कंटिन्यू इन साइड द केकून। और फिर वहाँ पे भी उसका जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, राइट। वो डेवलपमेंट प्रोसेस उसी कंटिन्यू रहती है और फिर जो उसमें से सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग क्लोथ। और वो जहाँ पे वो केकून के अंदर उसका डेवलपमेंट हुआ उसे मोथ कहते हैं, और उसमें सिल्क क्लॉथ, हम सिल्क लेके उसमें से सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। कैन यू इमेज दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एन स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेबली थ्रेड ऑफ स्टील। और आपको ये पता है कि जो ये सिल्क यार्न बना, जो इस तरह के सिल्क मोथ से बना है, राइट, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितने स्टील के थ्रेड होते हैं उसके कंपेयर में वो आता है। हाँ, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है बेटा, आ रहा है लास्ट पैराग्राफ में। हाँ, द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द केकून ऑफ द सिल्क मोथ। यहाँ पे अंडरलाइन करना। देर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दैट येल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, राइट। अलग अलग टाइप के बहुत सारे ये सिल्क मोथ होते हैं और उसमें से जो सिल्क मिलता है वो भी अलग अलग क्वांटिटी का हमें मिलता है, राइट। दस टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। तो उसकी वैरायटी भी डिफरेंट हो जाएगी अलग अलग सिल्क मोथ में से जो सिल्क मिलता है। और उसके एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन से टाइप के सिल्क होते हैं, वो यहाँ पे भी आप अंडरलाइन करना। टसर सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम केकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, राइट। इस तरह से हमें अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ, राइट। सबसे कॉमन है मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द केकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो ये टाइप के जो मोथ है उसमें से जो हमें
सिल्क मिलता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट। लस्टर मीन्स शाइनिंग, और इलास्टिक मीन्स वो फ्लेक्सिबल होता है और उसमें अलग अलग कलर के डाइंग करके उसमें ब्यूटीफुल्स अच्छी डिजाइन भी बनती है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। तो ये जो सेरिकल्चर है, राइट, मीन्स कि जो हम सिल्क वर्म को पूरा उसे डेवलप करके उसमें से सिल्क फाइबर बनाते हैं, और ये पूरी एक कॉमर्शियल इंडस्ट्री हो गई है जिसका इंडिया में बहुत ही यूजफुल है। ओके, थैंक यू बेटा।